अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टार फिल्म 2.0 भी अब देश विदेश के बाद चीन का रुख करने जा रही है। इस फिल्म को चीन में एक नए नाम के साथ रिलीज किया जाना है। मेकर्स इसकी तैयारी में जमकर लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच इस फिल्म का पोस्टर पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया है। फिल्म के चीनी पोस्टर में इसका नया नाम लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ये नाम चीनी भाषा में लिखा है इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल है, पर अब ये मुश्किल भी आसान हो गई। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इस फिल्म का चाइनीज पोस्टर रिट्वीट करके बताया है कि फिल्म का नाम क्या होगा। मेकर्स इस फिल्म को चीन में 2.0 रिसर्जन के नाम से रिलीज करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पूरे चीन के अंदर 50,000 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। फिल्म को 12 जुलाई के दिन रिलीज होने की तैयारी की जा रही है। बीते साल सिनेमाघर पहुंची अक्षय कुमार रजनीकांत की फिल्म ने देश के बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। हालांकि फिल्म 200 करोड़ रुपए की सीमा पार करते करते रह गई थी। हिंदी वर्जन के अंदर भी इसने तगड़ी कमाई करी। देश विदेश के बॉक्स ऑफिस पर इसने शानदार कमाई करी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर देखी जाए तो 700 करोड़ से ज़्यादा की कमाई इस फिल्म ने की है। उम्मीद है कि चीन में भी काफ़ी शानदार कमाई करने वाली है। हाल ही के अंदर ऋतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म काबिल जो है रिलीज़ की गई है चीन के अंदर, और उस फिल्म के देखने के लिए क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा चाइना के लोगों में है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं 2.0 के चाइना रिलीज़ को लेकर, और आपको क्या लगता है कि चाइना रिलीज़ के साथ ही ये कितना कलेक्शन कर लेगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।